वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एमर्स। मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, ये हमारे पास 2016 का पेपर है, ठीक है, और फरवरी 2016 टेस्ट बुकलेट कोड जो है वो एम है। ये पूरा पीडीएफ है जिससे हम लोग अपने साइंस पेडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि पेपर किस तरीके के होते हैं या उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सीडीपी के साथ आपका पेपर स्टार्ट होता है। चलिए पहुँचते हैं अपने सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर के हिसाब से 61 और हमारे हिसाब से 1। सो मै यूजुअली टेक हर क्लास 7th स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सौम्या एक टीचर है जो अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को भ्रमण क्षेत्र पर अक्सर लेकर के जाती है, तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इट प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, यानी कि ये विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करती है, ठीक है। सी कैन गिव दम असेसमेंट एंड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और तत्काल गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। सही बात है। इट इनहेंस प्रोसेस स्किल, ये भी बिल्कुल सही बात है कि यह प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। इट सेव्स टीचर टाइम, ये गलत है। अगर टीचर अपनी बुक को छोड़ करके कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, किसी अदर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसमें टीचर कभी अपना समय बचाता नहीं है, जबकि टीचर अपना समय देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि 2 जो है हमारा, वो एकदम सही आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रैटेजी इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू असेस द एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित आकलन युक्ति में से कौन सी युक्ति कक्षा विज्ञान की विद्यार्थियों प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे उचित है? अगर आप इसका ऑप्शन एलिमिनेट करें तो पेपर पेंसिल टेस्ट तो अपने आप में निगेटिव है, ठीक है, चेकलिस्ट तो अपने आप में निगेटिव है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल क्या है? प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा एकदम सही आंसर है। आप ये इस तरीके का क्वेश्चन देख रहे हैं, अब की बार आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर में, क्योंकि आपके पेपर का पैटर्न, मोड सब कुछ बदल चुका है। ओपन अ वाटर टैप, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट कैन फॉर्म अ थिन स्ट्रीम, यानी कि पानी के नल को खोलिए और इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। इससे रिफिल को अवशेषित करिए, यानी कि चार्ज करिए, यानी कि भर लीजिए, और फिर उसके बाद उसको ब्रिंग इट नियर द वाटर स्ट्रीम, जल की धारा के निकट लाइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, यानी कि आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, और इसके ऊपर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटी। तो द स्किल डेवलप्ड इन द स्टूडेंट थ्रू दिस एक्टिविटीज, इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। देखिए बच्चों, इस गतिविधि में विद्यार्थियों ने क्या किया, पानी के टैप को खोला है, फिर उसके बाद उसको तब तक एडजस्ट किया है कि जब तक एक पतली धारा नहीं आ गई है, रिफिल को चार्ज किया है, उसके बाद उसको वाटर स्ट्रीम के पास लेकर के गए और उन्होंने देखा है कि क्या होता है, यानी कि ऑब्जर्व तो किया ही है, एक्सपेरिमेंट भी किया है, और ये उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम सही है। आप एलिमिनेट कर सकते थे, ओनली और ओनली अपने आप में निगेटिव ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे ने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। साइंस पेडागॉजी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक समझ के ऊपर निर्भर होती है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। साइंस पेडागॉजी हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी हो, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही निर्भर रहती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। इवन द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों को नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में हमेशा संशोधनीय अंतिम माना जाता है। साइंस में अंतिम कुछ भी नहीं होता है, साइंस में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजमेंट, कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ संशोधन होते ही रहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी आर मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर अ टीचर टू टीच द टॉपिक सेव एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे अच्छी है? आस्क स्टूडेंट टू राइट स्लोगन, जी नहीं, स्लोगन लिखने के लिए आप बच्चों को नहीं कहेंगे। बच्चों को सिर्फ पेन और पेपर पर कुछ लिखना नहीं है, बच्चों को कुछ सोचना है, बच्चों को अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाना है। राइट एटलीस्ट 5 वेज टू सेव एनर्जी, बिल्कुल सही चीज़ है। बच्चे कम से कम 5 चीज़ें कुछ तो ऐसी सोचेंगे जिससे कि वो सेव ऊर्जा का संरक्षण कर सकें। मेकअप मॉडल प्रोजेक्ट और डिपेक्ट एनर्जी सेविंग, यानी कि आप कोई भी
प्रदर्शित नमूना वगैरह, परियोजना वगैरह बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। एनकरेज स्टूडेंट टू सेव एनर्जी इन वेरियस वेज इन देयर लाइफ, यानी कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मतलब ये है जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमको बताते हैं कि हमारे जीवन में लाइट की, पानी की कितनी अहमियत है। रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट बंद करके आओ, फैन ऑफ करके आओ, टीवी का स्विच बंद करके आओ, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चे अपने जीवन में उतार लेते हैं और वो उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। और डेली जो हमारी लाइफ में होता है वही साइंस पेडागॉजी है। ठीक है, गुड साइंस के क्वेश्चंस तो ये मान लीजिए इतने भर भर के पूछे जाते हैं कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। कहीं NCERT 2005 गुड साइंस से पूछ लेता है, कहीं सिर्फ गुड साइंस से पूछ लेता है। कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट टॉपिक हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए हमने पहले आपको जो पेपर कराया था वो 2022 का या 21 का कराया होगा और हम बैक साइड चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वो अपने आप में कितने ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। ऑलराइट, ये 2016 का पेपर है और इसमें भी आपको गुड साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देयर आर टू प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम हुज पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन आर लेस देन दोज ऑफ आर अर्थ बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी कि दो प्लैनेट ऐसे हैं हमारे सौर परिवार में जिनका सूर्य के चारों ओर प्रक्रमण काल हमारी पृथ्वी के प्रक्रमण काल की तुलना में छोटा है, लेकिन घूर्णन काल यानी कि जो रोटेशन है वो ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से हैं? तो ये हैं हमारे मरकरी और वीनस। ठीक है, हम बढ़ेंगे अपने पेडागॉजी क्वेश्चन की तरफ। ये तो सारे आपके बुकिस क्वेश्चन हैं। ऑलराइट, हमारा क्वेश्चन नंबर 86 आएगा पेडागॉजी का। द असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस ऑन, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसेस, यानी कि अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है और आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्योंकि इस 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के पेपर में आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर ऑफलाइन मोड में है, आपके पेपर में बहुत सारे चेंजमेंट है, हम प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे उतनी कोशिश करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग EVS के भी पेडागॉजी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने लग जाएंगे। ऑलराइट, मॉर्निंग में हम लोग करेंगे साइंस, इवनिंग में EVS। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर किया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स गुड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये 2016 का है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ 2017 में सीटेट ने अपना पेपर नहीं करवाया था, उसके बाद से कॉन्स्टेंट ओपन एंडेड क्वेश्चन, गुड साइंस, NCF, फील्ड ट्रिप, इन सब पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये सब अपने आप में कांस्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और इनमें क्वेश्चंस इतने चेंज करके देते हैं, इतना घुमा करके देते हैं कि बच्चा हर बार गलत करके आता है। हाँ, आप उसका डायरेक्ट अगर आंसर बताएं तो ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे सोच सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ के कई आंसर होना। ठीक है, वॉट डिफिकल्टीज वुड बी फेस इफ़ आर बॉडी डिड नॉट हैव मसल्स इन इट, तो बच्चे अलग अलग सोचेंगे कि हाँ यार अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना होती तो हम लोग कैसे करते। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ रोज प्लांट, मैंगो ट्री एंड तुलसी, यानी कि गुलाब के पौधे, आम के पेड़ और तुलसी के तने में क्या अंतर होता है, क्या इसमें बच्चा बहुत कुछ सोचेगा। अरे एक ही एक डिफरेंस होता है, आपने गुलाब के पौधे की बात कर दी, आम के पेड़ की बात कर दी और तुलसी के तने की बात कर दी। स्नेक एंड स्नेल हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ मूवमेंट, ऐसा क्यों? स्नेक जो होता है हमारा वो ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन जो स्नेल होता है वो ऐसे ऐसे चलता है, राइट। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ऑब्जर्व वेरियस रूट्स एंड राइट देयर फीचर्स, तो बच्चों जिसमें बच्चा डिफरेंट सोचेगा, जिसमें बच्चा बहुत ओपन एंडेड सोचेगा, जिसमें बच्चा कई हद तक दिमाग लगाएगा, सही भी बोलेगा गलत भी बोलेगा, वो है हमारा ऑप्शन नंबर एक, कि अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना होती तो हम क्या क्या करते हैं। आप ये क्वेश्चन देखना है, 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग ये मान के चलिए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस बार। चलिए पढ़ते हैं इसको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में भी पढ़ देंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग विच अपीयर्स इन क्लास 8th NCERT बुक। नायलॉन अपीयर्स लाइक सिल्क, इट इज़ स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल, दीज एंटरनिंग क्वालिटीज ऑफ नायलॉन क्रिएट अ पब्लिक सेंसेशन और नायलॉन मैनिया। When it was introduced in 1939, women's stockings made from these new fibers were in great demand. But unfortunately, most of the nylon production had to be diverted to making parachutes during the Second World War, 1939 to 1945.
After the war, when production of stocking resumed, supply did not match the demand. There was a huge black market for this product. Women had to wait for hours in queue to get a pair. Often there were nylon rights. यानी कि नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया था तो इसके मोहक गुणों को जानना जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्मत्त उत्पन्न किया गया था। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नायलॉन का जो उत्पादन है वो पैरासूट बनाने हेतु काम में लाया जाने लगा। युद्ध के बाद मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो मांग जो है पहले से कम हो गई। इस कारण बाजार में भारी अकाल पड़ गया। कई महिलाओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता था। इस बार इसको नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। ठीक है, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूडिंग द अबव इन साइंस टेक्स्ट बुक। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त को शामिल करने की सार्थकता क्या है? टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। ठीक है, टू डेवलप एन अप्रिसिएशन ऑफ हाउ न्यू इन्वेंशंस क्रिएट डिमांड। सही बात है। टू डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। देखते हैं आगे। इंक्लूडिंग सच एनेक्डोट्स मेक साइंस टेक्स्ट बुक लाइट एंड ईजी। देखिए, ये अपने आप में गलत है कि ऐसी घटनाएं या वृद्धांतों को शामिल करने से जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है वो आसान और सरल होती है। ये आसान या सरल नहीं होती है, ये कोई फैक्ट होता है। ऑलराइट, तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Sometimes the students have alternative conception related to various science concept. What should the science teacher do? यानी कि कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं में जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, तो उस समय विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? Scold the student, पहले ही negative नहीं, ignore the ideas, गलत, tell the student that their ideas are wrong and teach them to the right concept। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने आपसे कुछ बोला और आपने उसे कह दिया तुम गलत हो, चलो बैठ जाओ। आपको उसकी चीज़ों को सुन करके उसको एक्सप्रेस करना है, उसको समझना है, उसी की बातों में उसको बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, हेल्प द स्टूडेंट टू रिविजिट देयर आइडियाज़। यही चीज़ हम आपको कह रहे हैं कि उसी की बातों में उसको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि स्टूडेंट को हेल्प करना है कि वो अपने आइडिया के ऊपर पुनः विचार करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा एकदम सही है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि गुड साइंस के ऊपर बेस्ड है। Which of the following statement indicate a good science classroom? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है? Learner devise their own experiment and record their observation. ठीक है, the learner observe the demonstration by the teacher and write its step. यही गलत है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया आपको, वो कॉपी पे नहीं छापना है, वो हम लोगों के टाइम तक ही सीमित था। अब जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, अब आपको बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों के आइडियाज़ को इन्वॉल्व करना है। तो द लर्नर ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टीचर, यानी कि टीचर आया, टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को दिखाया कि ये देखो बैग नीचे पिंक कलर हो गया। ठीक है, और एसिड बताया, बेस बताया और चला गया, और बच्चों ने ऑब्जर्व किया और बाद में सब भूल गया। ऐसा नहीं, अब बच्चों के हाथ में खुद एक्सपेरिमेंट किट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ए, सी और डी जो है वो हमारा इसका एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा पेपर। ये हम लोगों ने आज 2016 साइंस पेडागोगी को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम लोगों ने 2016, 18, 19 और 21 तक के साइंस पेडागोगी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इतनी सीरीज़ आपके लिए सफिशियंट है अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने का अंदाज़ा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पेडागोगी में क्वेश्चंस किस तरीके के रिपीट हो रहे हैं। 2016 से लेकर 2023 तक के, 21 तक के क्वेश्चंस जो है वो कांस्टेंट है एनसीएफ 2005 के ऊपर, गुड साइंस के ऊपर, फील्ड ट्रिप के ऊपर। ऑलराइट, और बुकिस क्वेश्चंस तो हमेशा ही सेम रहते हैं, बस उनका पैटर्न, उनकी जो लैंग्वेज होती है पेडागोगी क्वेश्चंस की, उनको चेंज कर दिया जाता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।